महाशिवरात्रि से पहले घर पर ले आएं ये तीन चीज, हर इच्छा होगी पूरी। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको शिवरात्रि के दिन पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय बस ये दो शब्द बोल दे दोस्तों, आपकी हर इच्छा जरूर करेंगे शिव जी पूरी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व होता है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव की रात्रि। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार से पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि सबसे अधिक महत्व रखती है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि की तिथि भगवान शिव के भक्तों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं। इस दिन संपूर्ण भारत में भगवान शिव के मंदिरों से आराधना के स्वर सुनाई देते हैं और पूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी बहुत ही उत्साह से शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। यूं तो शिव जी बहुत ही संतुष्ट और संयमित रहने वाले भगवान हैं और बहुत ही छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो एक महायोगी तो है ही, साथ ही उन्हें हठ योगी भी कहा जाता है। उन्हें बहुत कम क्रोध आता है, लेकिन अगर उन्हें किसी बात पर क्रोध आता है तो फिर वो जल्दी शांत नहीं होते। शिव जी के क्रोध का सामना कई बार इस सृष्टि ने किया है और एक बार तो भगवान शिव के क्रोध में ये संपूर्ण संसार भी भस्म होने की कागार पर था। इसीलिए भगवान शिव जी सदैव ही ध्यान में रहते हैं और उनके ध्यान को भंग करने का साहस इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिससे शिव जी आप पर क्रोधित ना हो। महाशिवरात्रि भी शिव जी का खास महत्वपूर्ण दिन है, तो अगर आप इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर पर ये तीन चीजें अवश्य ही लेकर आएं। शिव जी आपको मनोवांछित फल अवश्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि स्वयं महादेव ने कहा था कि जो भी भक्त मेरी इन प्रिय वस्तुओं को महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर लाता है वो मेरी कृपा को प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें हमें घर पर अवश्य ही लेकर आना चाहिए, और इसी के साथ हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि की अवधि 1 मार्च को प्रातः 3:16 से लेकर 2 मार्च के दिन 10 बजे तक रहेगी। इसीलिए आप महाशिवरात्रि आने से पहले ही या महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर ये चीजें अवश्य ही ले आइए। सबसे पहली चीज है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग का वास्तु शास्त्र में और शिव पुराण में भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि आने से पहले आप पारद शिवलिंग लेकर आए और उसे अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। आपको जीवन में कभी भी धन दाने की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज रुद्राक्ष से बना तोरण। दोस्तों महाशिवरात्रि आने से पहले ही अपने द्वार पर पंचमुखी रुद्राक्ष से बना एक तोरण अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में अधिकतम मात्रा में शिव शक्ति का प्रवेश होगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। लेकिन अगर आप तोरण नहीं लाना चाहते हैं तो आप ऐसे में एक रुद्राक्ष ला करके अपने पूजा घर में तो कम से कम जरूर रखिए। दोस्तों तीसरी चीज है नंदी जी की मूर्ति। अगर आपके घर में शिवलिंग है लेकिन शिवलिंग के सामने नंदी जी ही नहीं है तो महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर पर एक नंदी जी की बैठी हुई छोटी सी मूर्ति अवश्य लेकर के आइए और उसे शिवलिंग के सामने स्थापित करें। दोस्तों नंदी जी को शिव जी का वाहन माना जाता है और नंदी जी भक्तों द्वारा कही गई सभी मनोकामना भगवान शिव जी तक पहुँचाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले नंदी जी की चांदी की छोटी सी मूर्ति लेकर के आइए, और अगर आप चांदी की नहीं ला सकते हैं तो मिट्टी की मूर्ति लाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। मिट्टी की नंदी जी की छोटी सी मूर्ति लाइए और उसे अपने पूजा घर में स्थापित करें और नंदी के कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहें। शिव जी आपकी हर इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों ये थी वो चीजें जो हमें महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर पर अवश्य लेकर आनी चाहिए। आइए अब जानते हैं शिव पूजा के दौरान आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शिवलिंग की गलत परिक्रमा ना करें। भगवान शिव की आधी परिक्रमा लगाई जाती है। ध्यान रखें कि शिवलिंग के बाईं तरफ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए और जहां से भगवान को चढ़ाया हुआ जल बाहर निकलता है वहां से वापस लौट आएं। उसे कभी भी लांगना नहीं चाहिए। फिर विपरीत दिशा में जाकर जलाधारी के दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। नंबर 2, प्रसाद चढ़ाते समय बरतें सावधानी।
शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर प्रसाद ना रखें। माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर रखा गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य नहीं होता, जिससे पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 3, शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता। मान्यता है कि शिव की पूजा में शंख का प्रयोग अच्छा नहीं है। इसके पीछे की कहानी शंखचूड़ नामक दैत्य से जुड़ी है, जिसका शिव ने वध कर दिया था। शंख उसी राक्षस का अंश माना जाता है, इसीलिए भोले की पूजा में इसका इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, अक्षत का प्रयोग सावधानी से करें। शिव की पूजा में अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत टूटा हुआ ना हो। शास्त्र कहते हैं कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी का प्रयोग भी आपको शिव पूजा में नहीं करना चाहिए। शिवजी की पूजा में तुलसी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने वृंदा के पति जलंधर का वध किया था। वृंदा के पतिव्रता धर्म को जलंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने तोड़ा था। ये बात जानने पर वृंदा ने जहां आत्मदाह किया, वहां तुलसी का पौधा उग गया। वृंदा ने शिव पूजा में तुलसी के ना शामिल होने की बात कही थी। नंबर 5, केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था कि उनकी पूजा में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के एक झूठ में उनका साथ दिया था। नंबर 6, हल्दी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग भी नहीं किया जाता। हल्दी का सौंदर्य प्रसादन में इस्तेमाल किया जाता है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है दोस्तों, इसीलिए भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। दोस्तों, इस दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप गाय को केला खिलाते हैं तो इससे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी चीज है बेलपत्र, लेकिन भूल कर भी कटे फटे या खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं। हल्दी और कुमकुम उत्पत्ति के प्रतीक है, इसीलिए पूजन में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले फूल बासी और मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रही हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने। शिवरात्रि पर चावल दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल दूध चाय कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की आराधना के 3 प्रमुख अंग है, उपवास, पूजा और जागरण। इस दिन जल्दी जागकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भोलेनाथ के समक्ष उपवास का संकल्प करें। व्रत में पूरा दिन निराहार रहते हुए या फिर फलाहार करते हुए व्रत का पालन करें। पूरे विधि विधान से दिन में और रात्रि में शिव जी की पूजा करते रहें और रात्रि में भजन कीर्तन हवन करते हुए जागरण करें। शिव जी की पूजा में अन्य पूजा सामग्रियों के साथ शिव जी का अत्यंत प्रिय बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, रुद्रमाला और विशेष रूप से भांग चढ़ाई जाती है, तथा गंगा जल में दूध, दही, शहद, घी और गोमूत्र मिलाकर आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस तरह से किए गए अभिषेक को महाअभिषेक कहा जाता है। ऐसा करते हुए शिव चालीसा का पाठ करें या फिर ओम नमः शिवाय शिव जी के इस महाशक्तिशाली मंत्र का जप करें। कहा जाता है कि इस मंत्र का आविष्कार महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, इसीलिए इस दिन इस मंत्र का जाप करने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।